लिए मेहमानों का जी माशाल्लाह बड़े शॉर्ट नोटिस पर फिर वहाँ से लेना तशरीफ लाए। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि आपको बार बार बुलाएंगे, कोशिश करेंगे हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बुलाया करें, नई नई खबरें दिया करें आपको, नए नए वेंचर्स बताया करें और हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा नया माइलस्टोन अचीव किया करें जिसमें हम लोग आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। तो हमने कमिट किया था कि हमने वहाँ पे कि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि जो एहसन जावेद बिल्डर्स जो बैरिया टाउन 1 से 6 तक जिनकी बैरिया इनक्लेव डन पार्क यू सिटी जो उनके रिसेंट क्लाइंट्स हैं उनके अराउंड तकरीबन कोई 30 बिलियन से अबव का काम किया, जो उनके डेवलपर हैं उनको हमने अपॉइंट किया है, वो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर हैं। एडिशनली ये कि मियाँ साहब से हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि आपने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके सारा फोकस इस प्रोजेक्ट पर करना है ताकि हम कोशिश करके कोई 8 से 10 महीने में एटलीस्ट पहले चंक का पोजीशन दे सकें। इवेंट आज हो रहा है, साइनिंग सेरेमनी आज है, मशीनरी रात को मोबिलाइज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, साइट में मशीनरी हमारी मोबिलाइज हो गई है, जो साइट पे हमारी बिल्डिंग्स थी जो साइट ऑफिस थे उनकी रेनोवेशन का काम कम्प्लीट हो गया, हमारा साइट पे स्टाफ इनका शिफ्ट हो गया, साइट उन्होंने टेक ओवर कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आप वो लोग हैं जो हमारी कोर कमेटी है मार्केटिंग के हवाले से। आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि हमने जो ये साइनिंग सेरेमनी है हमारी, आप लोगों को आइडिया हो कि किस लेवल का हम लोग डेवलपमेंट का काम करने जा रहे हैं। आप लोगों को बुला के आप लोगों को ये मौका हमने देना है कि ये आवाज़ आप तमाम लोगों तक पहुँचाएँ कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता चले कि सिल्वर सिटी जो एक माह पहले लॉन्चिंग हुई आज उन्होंने उस डेवलपर को ठेका दिया है जो इससे पहले बैरिया टाउन पार व्यू जैसे प्रोजेक्ट्स को करके तजर्बा हासिल कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे उस्मान साहब ने फरमाया कि हम लोगों ने जो आपसे कमिटमेंट की थी कि हर हफ्ते आपको एक नया सरप्राइज़ देंगे, वो सरप्राइजेज़ आपके सामने आते जा रहे हैं। जैसे हमने ग्रैंड सिटी परचेज़ किया वैसे हम डेवलपर लेके आए, अभी इंशाल्लाह ताला हमारी एक और कोशिश यह है कि अच्छी प्लानिंग के लिए भी उस्मान साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट लगी हुई है, इकबाल साहब, आजम साहब, राजा साजिद हमीद साहब, पूरी हमारी मैनेजमेंट की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द हम आपको ऑन ग्राउंड वो चीज़ दिखा सकें जो आपको हमने ख्वाब दिखाया है। इंशाल्लाह ताला विजन हमारा बड़ा है, सबसे बड़ा विजन हमारा ये है कि हम आप तमाम दोस्तों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे सकें कारोबार की। आप लोग हमारे फेस हैं, आप लोग इसको जितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे इतना हमारा बेहतर नाम होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप तमाम दोस्तों से कि जो आज हम ये करने जा रहे हैं इसको आप हाईलाइट करेंगे अपने सोशल मीडिया पे, खासकर नासिर गोंदल साहब, चूँकि ये अमन की वीडियो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा हमें बूस्ट देती है। आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि मार्केट की बेहतरी के लिए आप अपनी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे जो जल्दबाजी में छोटे छोटे फ़ायदे के लिए आप तमाम दोस्तों को नुकसान देते हैं। ऐसे लोगों का हम हाईलाइट करना चाहिए हमें मिल के, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो नहीं है जो आजकल सिस्टम में चला कि ओपन फाइलें आ रही हैं, अनलिमिटेड काम हो रहा है, हमारी लिमिटेड चीज़ें जितने हमने आपको ज़मीन इन्होंने बताई है 3800 कनाल पर हमारा प्लानिंग हो रही है, 3800 कनाल से एक प्लाट ही हमारा फालतू नहीं बिकेगा इंशाल्लाह ताला। ये जो डील हमारे से पहले आई है इसके बाद हम प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हम आपको कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी दें, फिर हम विलास का प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जब ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तो उसके बाद फेज़ 2 की हम तरफ जाएंगे, आपको इंशाल्लाह ताला कारोबार मिलता रहेगा यहाँ पे। जो लोग हमारे साथ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, पॉजिटिव तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं उनको पूरी मैनेजमेंट की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। पहले आपको इंशाल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेकंड पे जिन लोगों को आप लास्ट दे रहे हैं उनको ऑन ग्राउंड ऐसी डेवलपमेंट मिलेगी, ऐसा मैार मिलेगा कि जो आर्मी मैार के मुताबिक होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सबका आमीन हासिल हो जी। पार्कव्यू सिटी और गॉफ रेजिडेंशियल एड्रेस में हम काम कर रहे हैं, ये मेरे इन हैंड प्रोजेक्ट है। आवाज़ आ रही है आप? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से उस्मान भाई और याज भाई ने कहा कि 6 से 8 महीने में इंशाल्लाह ताला 6 महीने में आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देंगे और उन सोसाइटी में जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके उस लेवल की आपको डेवलपमेंट देंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी खुशी की बात है आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हम लोग एक नए नेक मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और सिल्वर सिटी मैनेजमेंट और आज जो डेवलपर फर्म है एहसन जावेद साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके ये MOU जो साइनिंग सेरेमनी है वो यहाँ पे मैरियट के अंदर हो रही है। और मैंने जैसे भी पहले भी बात की कि हमारी कोशिश होती है जो मार्केटिंग कंपनी है और स्पेशली मेरी इसमें ज़्यादा मैं इसकी इस बात के ऊपर फोकस करता हूँ कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की हम लोग मार्केटिंग करें जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ मुखलिस हो। इसका मतलब ये होता है कि मुखलिस से मुराद ये नहीं होती कि वो पैसा जो है वो अपना संभाले, इससे मुराद ये होती है कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर का, अपने जो एंड यूजर का है जो उसके अंदर वहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं उनका ख्याल रखें। और मैं समझता हूँ, यकीन करें, मैं
सिल्वर सिटी मैनेजमेंट का तहे दिल से मशकूर भी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ सिल्वर सिटी की मैनेजमेंट को, इतने कम टाइम के अंदर इतने ज़बरदस्त सरप्राइज़ दे रही है। और स्पेशली जो बड़ा सरप्राइज था, जो साथ ही दूसरी एक बहुत बड़ी सोसाइटी आप लोगों ने ख़रीद ली, उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जो डेवलपर हैं वो फर्म भी आज जो है वो उन्होंने भी MOU साइन कर लिया। और मैं समझता हूँ कि अब अगर डेवलपमेंट इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आप डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और सेकंड ये कि मैं डे फर्स्ट से जब से हम लोग सिल्वर सिटी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ सिल्वर सिटी की सारी मैनेजमेंट जो है हर इवेंट के ऊपर इकट्ठी होती है और डे एंड नाइट वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए काम भी कर रही है। लैंड जैसे भी अयाज भी बता रहे हैं कि 3800 कनाल का सर्वे जो है वो हो चुका है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर 3800 कनाल अगर आप एक साल डेढ़ साल मैक्सिमम दो साल के अंदर भी आप ये 3800 कनाल भी लैंड जो है ये आप प्रॉपर डेवलप करके आप अगर हैंड ओवर कर देते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह मार्केट में सिल्वर सिटी का इस वक्त ब्रांड बन चुका है, बहुत अच्छी इस वक्त मार्केट में उसकी आवाज़ है और एंड यूज़र जो है स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि एक तो इसकी लोकेशन अच्छी है, सेकेंड आपने जो ओल्ड रेट्स के ऊपर बड़े रिजनेबल प्राइस के ऊपर प्लाट दिए हैं, और उस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की इस वक्त दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और आए दिन इसके अंदर लोग जो है वो आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर जी मैं आप सिल्वर सिटी मैनेजमेंट का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा आपसे यही तवक्को भी हम लोग रखते हैं एज ए मार्केटिंग कि आप लोग जो है वो सिल्वर सिटी को इस ये जो अभी डेवलपर साथ मिले हैं और यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा इसको डेवलप करेंगे ताकि जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको एक आइडियल सी एक प्यारी सी यूनिक सी चीज़ उनको मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्त अब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ जो यहाँ तशरीफ लाए, और जिस तरह गोंदर साहब ने बताया कि हम आप लोगों के साथ अपने इन्वेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, आपको इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा होगा। जैसे मैंने पहली दफ़ा एक वादा किया था कि हम अच्छे से अच्छे और जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी डेवलपमेंट के लिए हम उनको लेकर आए, तो हमने बाकायदा कोटेशंस ली और बहुत सारे डेवलपर्स के इंटरव्यूज़ किए, तो हमें जो सबसे ज़्यादा प्रोफाइल अच्छी लगी वो आसन जावेद साहब की लगी। इनकी प्रोफाइल में ये था कि इन्होंने बहरिया टाउन, पार्क व्यू और इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, यही एक परफॉर्मेंस की निशानी होती है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी तरह अच्छी तरह देख के तो इनकी सिलेक्शन की, तो इसका मकसद यही था कि हम अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट करें और अपने इन्वेस्टर को मायूस ना करें, और अच्छे जिस तरह आप लोग हमसे उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला हम उस उम्मीद पर पूरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि आप लोगों को कभी मायूस नहीं करेंगे, हम लोग हमारी पूरी टीम जो है ना हर वक्त इसी फिक्र में रहती है कि हम अपने जो है ना डिलीवरेंस की तरफ जल्दी से जल्दी चले जाएँ। तो आप लोगों को नज़र भी आ रहा है अल्लाह के फजल से, हमने सबसे पहले जो नया जो हमने चंक खरीदा अपना 600 कनाल का, उससे वो इस बात का सबूत है कि जो भी इन्वेस्टर की तरफ से हमारे पास पैसा आया हमने कहीं इधर उधर नहीं किया, हमने ज़मीन के ऊपर लगाया। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सर्वे का काम शुरू करवाया हुआ है जिस तरह इन्होंने बताया गुंडल साहब ने, वो आज हमारा 3800 कनाल का मुकम्मल हो चुका है। तो जो हमारा पहला फेज़ चल रहा है, मेरा ख्याल है कि विद इन 1 वीक सीवरेज का काम भी हम उधर शुरू करने वाले हैं, और इसी तरह जो हमारी मेन रोड है पहले गेट वाली जो मेन रोड है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम विद इन वीक और 2 वीक्स इंशाल्लाह कारपेटिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो ये गेट का काम भी हमारे लिए भी खुशखबरियाँ हैं, आप लोगों के लिए भी खुशखबरियाँ हैं इंशाल्लाह ताला। हमारा जो है ना, मैं समझता हूँ कि ला दीन अलेमन अहदा लहू, उसका दीन नहीं जिसका अहद नहीं। हम लोग आपसे अहद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके जो भी आप हमसे तोको रखते हैं उसके ऊपर पूरी पूरा उतरने की कोशिश करें इंशाल्लाह। कैमरा से देखिएगा आप लोग।